एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सात बहू और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन तो भूखी ही रह जाएगी। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठ गई। पहले कोर में बाल आया, दूसरे कोर खाने लगी तो उसे ससुराल का बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, तीन बार ही, कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पेड़ छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने में पालने में झूलती हुई जेठू थी, झूल रही थी, उसके पेड़ छूने लगी तो वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, सात पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो और वही अपने मरे हुए पति को लेकर वह रहने लगी। रोज सास बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेजती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तो करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वे बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ माता आएगी, वो तुझे तेरा सुहाग देगी। इस तरह बैसाख चौथ माता आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे तेरा सुहाग देगी। तब कुछ महीनों बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता जी के पांव पकड़ लिए और चौथ माता से बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक कृष्ण की करवा चौथ माता है,
वही तेरे से नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले, वर्त भाड़नी करवाले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता जी के पैर पकड़ लिए। वह जोर जोर से विलाप करने लगी कि हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दे। वो तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता जी खुश हो गई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोला, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उद्यापन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने दो जनों की बोलने की आवाज़ सुनी, तो वह अपनी माँ से जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सास ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों जीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। यह देखकर सास बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हो गया। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सास के पैर छूने लगी और सास ने भी अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता जी का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की स्त्री, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे सबका सुहाग अमर करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वालों, सभी का सुहाग बनाए रखना। तो बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता जी की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांगो। तब बुढ़िया माई ने बोला कि मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी महाराज बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी, तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, माँ जी पोता मांग लीजिए। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, अपने लिए कुछ मांग ले, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी कोई चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी निकल जाए। दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई कुछ मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देओ, सोने के कटोरे में
पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता है, सब कुछ तो मांग लिया। पर ठीक है, ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा और अंत ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के भी सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो।